दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बिल्डिंग गिर गई है और हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है, वहां पर राहत बचाव का काम चल रहा है। आपको बता दें, पंजाबी बाग इलाका दिल्ली का पॉश इलाकों में से एक माना जाता है और एक बड़ा एरिया है ये, पंजाबी बाग ईस्ट और पंजाबी बाग वेस्ट, कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर भारी संख्या में लोग रहते हैं। पंजाबी बाग इलाके की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही हैं। जो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बिल्डिंग के मलबे के नीचे से निकाला गया है, उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और इस तरह की तस्वीरें हैं, वो खून से लथपथ शरीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। लेकिन बिल्डिंग गिरने की खबर सामने आई है दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके से। जी दिल्ली NCR हरियाणा आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंजाबी बाग की दिखा रहा है, जहां पर जिन लोगों को निकाला गया है इस मलबे के नीचे से, उनके परिवार वाले काफी घबरा गए हैं। और मेरे सहयोगी सुब्रत शुक्ला जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुब्रत, अभी क्या स्थिति है, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है, क्या किसी को रेस्क्यू किया जा चुका है, कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक बिल्डिंग है, यहाँ पर बिल्डिंग के मालिक ने इन लोगों को यहाँ पर रख रखाव के लिए रखा हुआ था, और ऐसे में अचानक अभी 2 घंटे पहले ही यहाँ पे ये जो बिल्डिंग का छज्जा है वो अचानक भड़बड़ाकर गिर गया, और इसके नीचे एक 25 साल की ममता नाम की महिला उसमें दब गई और उसका 3 साल का बच्चा भी इसी छज्जे के नीचे आके दब गया। जैसा कि यहाँ पे आस पास के लोगों ने बताया कि अगर मौके वारदात से अगर यहाँ पे पुलिस टीम और फायर टीम अगर वक्त रहते पहुंच जाती तो शायद इन दोनों की जान बच जाती, लेकिन अभी जो ममता है जिसकी उम्र 25 साल है उसकी भी मृत्यु हो गई है, और जो 3 साल का बच्चा है उसका, उसकी भी यहाँ पे मौके पर मौत हो गई है। ये तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है और एक 3 साल के बच्चे की मौत की पुष्टि हो चुकी है, साथ ही एक 25 साल की महिला की मौत की पुष्टि भी इस बिल्डिंग गिरने के हादसे में हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर बिल्डिंग गिरने के बाद कोई और भी इस मलबे के नीचे दबा हो तो जल्द ही उन्हें रेस्क्यू किया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। कौन है?